हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 8, 9 और 11 का मैं इस वीडियो में पासिंग मार्क्स बताने वाला हूं। काफी सारा कमेंट आया है कि पासिंग मार्क्स कितना है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स बताने से पहले आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर का रिजल्ट दिखा दूं, क्लास 8 और 9 का। 11 का भी इसी प्रकार रहेगा, बट अभी मेरे पास क्लास 8 और 9 का रिजल्ट है पिछला साल का। पिछला साल जैसा रिजल्ट बना था, इस बार भी उसी तरीके से बनेगा। तो हम लोग पहले रिजल्ट देख लेते हैं किस तरीके रिजल्ट बनता है, उसके बाद मैं आप लोगों को पासिंग मार्क्स बताऊंगा क्लास 8, 9 और 11 का। तो चलिए हम लोग एक बार पिछला साल का रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए, ये है क्लास 8 का रिजल्ट। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ही रिजल्ट है क्लास 8 का 2022 का। ठीक है, और जिनका रिजल्ट है उनका नाम है यहाँ पर, स्टूडेंट नेम वर्षा कुमारी है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये सब तो आपको बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर स्कूल कोड सब रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सब रहेगा, रोल नंबर रहेगा, वो अलग चीज़ है। हम लोगों को इस पर फोकस करना है। देखिए, आप लोगों का पेपर वन यहाँ पर है, मैं कलर चेंज कर दूँ। ये वाला आपका पेपर वन है, उसके बाद ये वाला है पेपर टू। यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है पेपर वन, पेपर टू। उसके बाद ये आपका इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स यहाँ पर रहेगा। उसके बाद नीचे आप लोगों का जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका नंबर यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देखिए, फुल मार्क्स 100 का है। ये पिछले साल फुल मार्क्स 100 का था, ठीक है, बट इस बार फुल मार्क्स 50 का ही है। हर एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। और एक पेपर यहाँ पर देखिए, एक पेपर है, एक पेपर में, फर्स्ट पेपर में दो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर 100 फुल मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा अच्छे तरीके से, एक सब्जेक्ट में 50 फुल मार्क्स है और एक पेपर में फुल मार्क्स 100 है, क्योंकि एक पेपर में दो सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी का 50 और इंग्लिश का 50, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का पेपर वाइज रिजल्ट बनता है। जैसे पेपर वन में इनका देखिए ग्रेड सी है, और पेपर टू में यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस मिलाकर यहाँ पर ग्रेड बी है। तो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का रिजल्ट नहीं बनता है, पेपर वाइज बनता है। ठीक है, आप लोगों का जो रूटीन आया उसमें भी पेपर वाइज एग्जाम होगा। और यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में A+। इंटरनल असेसमेंट तो चलिए स्कूल की तरफ से मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर A+ है। अब यहाँ पर देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत, संस्कृत में देखिए डी ग्रेड है। तो अगर डी ग्रेड है तो इसका मतलब समझिए आप फेल हैं। ओके, डी ग्रेड का मतलब होता है आप फेल हैं। अब देखिए ग्रेड कैसे बनता है। यहाँ पर अगर 80 से ऊपर आपका परसेंटेज है तो A+, और 60 से 80 के बीच में है तो A, और 45 से 60 के बीच में है तो B, और 33 से 45 के बीच में है तो C, और अगर 33 से नीचे है तो D, यानी कि मार्जिनल, यानी कि फेल, ये फेल होता है। ओके, तो इस तरीके से रिजल्ट आप लोगों का बनता है। ये है क्लास 8 का रिजल्ट। अब हम लोग देख लेते हैं क्लास 9 का भी रिजल्ट, ताकि क्लास 9 वालों को भी कोई समस्या ना हो। यहाँ पर देखिए, अभी जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये क्लास 9 का रिजल्ट है। देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, कक्षा 9, परीक्षा 2022 का मार्कशीट है। तो ऊपर यहाँ पर नाम सब रहेगा, रिजू नाथ साव का है ये। यहाँ पर रोल कोड सब रहेगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब अलग चीज़ है। हम लोगों को नीचे रिजल्ट पर आना है। देखिए, क्लास 8 का पेपर वाइज रिजल्ट बन रहा था, लेकिन क्लास 9 में सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर मैं ज़रा जूम कर दूँ। देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी A में A ग्रेड है, इंग्लिश में A+ ग्रेड है, फिर मैथमेटिक्स में A+ है, साइंस में A+ है, और सोशल साइंस में A है। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी लोगों को अभी भी डाउट है कि संस्कृत का जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो क्लास 9 का एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर एडिशनल आपका संस्कृत है तो संस्कृत नहीं होगा, एडिशनल उर्दू है तो उर्दू नहीं होगा, एडिशनल अगर बंगाली है तो बंगाली नहीं होगा। सिर्फ मेन 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। ओके, अब देखिए, यहाँ भी ग्रेड जैसे क्लास 8 में था वही सेम ग्रेड यहाँ पर है, तो इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्लास 8 का पेपर वाइज रिजल्ट बनता है और क्लास 9 का सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट बनता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है। आई होप आपने रिजल्ट देख लिया होगा प्रीवियस ईयर क्लास 8 का और क्लास 9 का। इसी प्रकार से क्लास 11 का भी रिजल्ट बनता है, बट मेरे पास क्लास 11 का रिजल्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं पासिंग मार्क्स कितना है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि आपका अगर 80 से 100 के बीच परसेंट है तो A+ ग्रेड बनेगा, 60 से 80 के बीच में है तो A ग्रेड
ग्रेड बनेगा, 45 से 60 के बीच में परसेंटेज है तो बी ग्रेड बनेगा, और 33 से 45 के बीच में है तो सी ग्रेड, और अगर 33 से नीचे है तो डी ग्रेड। डी ग्रेड मतलब फेल होता है, आपका मार्जिनल रिजल्ट आ जाएगा, मार्जिनल मतलब आप फेल हो जाते हैं। ओके, ये है। अब देखिए, ये तो परसेंट है, आप लोगों को 33% से ज्यादा लाना है, 33% से ज्यादा लाना है परसेंट में, तो नंबर कितना चाहिए, कितना क्वेश्चन सही होगा कि आप पास हो जाइएगा, ये मेन मुद्दा है। तो अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि कितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले मैं नंबर बता दूं फिर से, ठीक है, फुल मार्क्स क्लास 8 का हर एक सब्जेक्ट में 50 फुल मार्क्स है, हर एक सब्जेक्ट में 50 फुल मार्क्स है। क्लास 9 का हर एक सब्जेक्ट में 50 फुल मार्क्स है, ठीक है, 50 फुल मार्क्स कैसे, 40 तो आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, और 10 नंबर आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट के थ्रू से मिलेगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 50 फुल मार्क्स हो रहा है। अब क्लास 8 में भी इंटरनल असेसमेंट है 100 मार्क्स का, लेकिन रिजल्ट आपने देखा कि उसका अलग से ग्रेड बन रहा है, तो फुल मार्क्स आपका 50 का इसमें इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड नहीं है, वो अलग से आपका रिजल्ट बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिजल्ट को क्लास 8 का फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। 100 नंबर इंटरनल असेसमेंट का आप लोगों को जो नंबर मिलेगा उसका अलग ही लाइन बना हुआ रहेगा रिजल्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट में वो ऐड नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए 50 फुल मार्क्स है क्लास 8 का भी, 9 का भी, 11 का भी 50 फुल मार्क्स है। अगर आपका 45 से 50 के बीच में सही होता है तो आपको ए प्लस मिलेगा, ठीक है। मानकर चलिए हिंदी है, हिंदी में आपका आ गया 46 नंबर, हिंदी में 46 नंबर आ गया तो आपको ए प्लस मिलेगा। हिंदी में ही मानकर चलिए आपका 40 आ गया तो यही आपका ए मिलेगा। हिंदी में ही अगर आपका मानकर चलिए 31, तब तो ए प्लस ही आ जाएगा, 29 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, 29 प्रश्न सही हो गया हिंदी में तो आपको बी प्लस मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आपका 17 क्वेश्चन से कम सही होता है, यानी कि 17 नंबर से कम आ जाता है आपका नंबर, तो आप फेल हो जाइएगा, क्योंकि 17 नंबर यानी कि 33% ये लगभग में मैंने निकाला है, ठीक है, अप्रोक्स करके निकाला है 17 लगभग, करीब 15 के आसपास आ रहा था, 1500 के आसपास आ रहा था, तो उसे मैंने एवरेज करके थोड़ा सा बढ़ा करके 17 पासिंग मार्क्स निकाला है, ठीक है। तो 17 नंबर आप लाइएगा, 17 प्रश्न एमसीक्यू वाला सही कीजिएगा तब आप पास हो जाइएगा, ठीक है। तो जो यहां पर क्वेश्चन था पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स आप लोगों का 17 नंबर है, 17 नंबर आप लोगों को लाना पड़ेगा, 17 प्रश्न आप लोगों को सही करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट में। क्लास 8 का एडिशनल भी होगा, था रिजल्ट में एडिशनल सब्जेक्ट का भी एग्जाम होगा क्लास 8 का, क्लास 9 का एडिशनल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 17 प्रश्न सही हो, 17 का थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 18-19 प्रश्न सही होना ही चाहिए आप लोगों का, तब आप पास होइएगा। 17 प्रश्न से कम सही करते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। और याद रखिएगा, क्लास 8 का दोबारा एग्जाम होता है, क्लास 9 का दोबारा एग्जाम नहीं होता है, क्लास पिछला प्रीवियस ईयर का मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ एक दो साल से ट्रैक कर रहा हूं जैक को। क्लास 8 का पिछले बार जो लोग फेल हो गए थे उनका एग्जाम हुआ था, लेकिन जो लोग क्लास 9 में फेल हो गए थे उनका एग्जाम शायद नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं चला, ठीक है, नोटिस भी नहीं था उस पर क्लास 9 पर, तो शायद नहीं हुआ था एग्जाम। तो क्लास 9 वाले इग्नोर मत कीजिएगा ये सब चीज को, कम से कम 17 प्रश्न आपका सही होना ही चाहिए तब भी आप पास हो जाइएगा। तो ये था आज का वीडियो, आप लोगों को पासिंग मार्क्स जानना था तो मैंने बता दिया, 17 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से सही होगा तब आप पास हो जाइएगा, और अगर 17 से ज्यादा तो इधर मैंने बता दिया कि कितना नंबर लीजिएगा तो कितना कितना आपको ग्रेड मिलेगा, क्लास 8-9 का ग्रेड में ही रिजल्ट बनता है। ओके, तो यही था टोटल पासिंग मार्क्स पर वीडियो, फिर भी कोई डाउट रह गया है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी डाउट रहेगा उसे सोल्व कर दूं।
और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कितना का टारगेट ले रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे 50 में से 49 लाना है, 45 लाना है, 44 लाना है, कितना आपका टारगेट है हर एक सब्जेक्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके, उन्हें पता चल सके कि पासिंग मार्क्स क्या है और किस तरीके से रिजल्ट बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे।